ओके हे व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज के इस वाले पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी एक आधार कार्ड है और आप लोग अपने आधार कार्ड में घर बैठे मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी को चेंज करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है यहाँ पर आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से। साथ ही में अभी शुरू भी हो गया है और आपको बता दूँ कि अब आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों को अपडेट करवा सकते हैं या फिर पहले से लिंक नहीं है तो उसको लिंक भी करवा सकते हैं। तो आज के इस वाले वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रूफ करके सारा चीज़ बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि आपको घर बैठे आपका सारा काम हो जाए। साथ ही मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये वाली जो ट्रिक है इससे अगर आपके घर में कोई बच्चा है 1 साल से 5 साल तक, यानी कि 0 साल से अगर वो पैदा भी हुआ है तब भी 0 साल से 5 साल के अंदर में, तो उसका नया वाला आधार कार्ड भी बन जाएगा। यानी कि नया नया आधार कार्ड बनवाना है 5 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को, तो वो भी आप घर बैठे ही अब कर सकते हैं इस वाले जो मैं अभी ट्रिक बताने वाला हूँ या फिर ये वाला जो तरीका भी मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वाले तरीके को मैं आपको पूरा पहले डिटेल में समझाता हूँ, फिर आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ कि इसमें आपको करना क्या होता है ताकि आप भी वैसे वैसे करके अपना सारा काम कर लीजिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँगा यहाँ पर मोबाइल नंबर चेंज करने को लेकर या फिर जीमेल आईडी लिंक करने को लेकर या चेंज करने को लेकर। तो यही आप समझ लीजिए कि मोबाइल नंबर लिंक चेंज या फिर जीमेल आईडी लिंक चेंज, इन सब के बारे में बात होने वाली है और कैसे कैसे करना है सब चीज़ अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं छोटा सा इंट्रो के बाद। लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दें कि अगर आपका इस वाले वीडियो से काम हो जाता है, अगर आपका हेल्प हो जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप कौन से स्टेट से हो, ताकि मुझे ये भी पता चले कि हमारे कितने दूर दूर से व्यूअर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों आपको बताते हैं आधार कार्ड ने 2-3 महीने पहले ही पोस्ट ऑफिस से मिलकर एक नया स्कीम लॉन्च किया था, जिसमें क्या है कि पोस्टमैन आपके घर आएगा और आपका सारा काम कर देगा। और आपको बता दूं कि अभी ये जो फीचर है ये लॉन्च हो गया है, यानी कि लॉन्च तो पहले ही हो गया था लेकिन अभी ये शुरू हो गया है, अभी ये वर्क करना शुरू हो गया है। और अब आप इसको बुक करके आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी या फिर अपने घर में छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों इसको बुक कैसे करना है वो सब अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ चार्जेस क्या होने वाले हैं, ये वर्क कैसे करता है, वो सब थोड़ा सा आपको डिटेल में दे देता हूँ। क्योंकि अगर आपको बता दूँ कि अगर आप लोग अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करवाना चाहते हैं या फिर जीमेल आईडी चेंज करवाना चाहते हैं या फिर लिंक करवाना चाहते हैं, दोनों में से कुछ भी, तो आपको यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या कोई डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसी वाले केस में मैं आपको बता दूँ कि जब अगर आप बच्चे का नया बनवाना चाहते हैं 5 साल से कम एज का, तो माता पिता का आधार कार्ड लगेगा और एक बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा जो कि बच्चे का होगा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद नया आधार कार्ड बना दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि कैसे इसको बुकिंग करना है और साथ ही में यहाँ पर चार्ज क्या होने वाला है। तो नया आधार कार्ड फ्री में बनता है और जो मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी अगर आप अपडेट करवाते हैं या फिर लिंक करवाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर 50 रुपये चार्ज लगता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो काम है ये पूरा का पूरा पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, उसके बाद पोस्टमैन आपके घर पर आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन बुकिंग कैसे करना है और वो आपके घर पर कैसे आके क्या चीज़ें करने वाला है, तो लेके चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सारी चीज़ें ऑनलाइन बुकिंग करना बताता हूँ और फिर उसके आगे थोड़ा बहुत उसमें भी हम समझाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पर पोस्टमैन को बुक करने के लिए, यानी कि जो आपके घर पे आकर आपका सारा काम करेगा, उसको बुकिंग करने के लिए आपको घर बैठे मोबाइल नंबर चेंज करवाने के लिए आना होगा क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना होगा इंडिया पोस्ट, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार ऐसे लिख के, आपको ऐसे सर्च कर लेना होगा इंडिया पोस्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है india.indiapost.gov.in। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, आप भी इसको इस तरीके से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद देखिए कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा और यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, तो आपको यहाँ पर देखिए 3 लाइन दिख रहा होगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन देखिए खुल के आ जाएंगे आपके सामने। तो यहाँ पर आपको जाना होगा दोस्तों डूर स्टेप सर्विसेज पे, ये वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है डूर स्टेप सर्विसेज पे, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। और दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट वेबसाइट पर ले जाने के लिए बोलेगा, तो आपको इस पर ओके करना होगा। तो जैसे हम ओके पे करेंगे क्लिक, देखिए कुछ इस तरीके से एक पेज खुल के आ जाएगा। अब और यहीं से अब आपको बुकिंग करना है पोस्टमैन के लिए या फिर जो आधार ऑपरेटर आएगा आपके घर पे मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए या फिर बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए, दोनों काम आप करवा सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे क्या चीज़ें करनी थी। सबसे पहले आपको इसमें अपना नाम, इसमें एड्रेस, पिन कोड, जीमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आप कोई सा भी दे सकते हैं। जो आप अपडेट करवाएंगे वो अलग भी हो सकता है वहाँ पर, जब वो ऑपरेटर आएगा या फिर जब वो पोस्टमैन आएगा आपके घर। उसके बाद सर्विसेज में आपको चूज करना है, तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे आप चूज करना है। तो आप इतना चीज़ भर लेना, नाम, एड्रेस, पिन कोड, जीमेल, मोबाइल, ये आप अपने से भर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सेलेक्ट सर्विसेज पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख जाएगा आधार सर्विसेज का, IBPS, IPPB आधार सर्विसेज का, आपको इस पर क्लिक कर लेना होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने नीचे भी एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट करने का, तो आपको यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करके आपको जो भी काम करवाना हो, अगर आपको अपने बच्चे का बनवाना हो जो 5 साल के अंदर है उसका नया आधार, तो आप इस पर चूज करेंगे। और अगर आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी बदलवाना हो या फिर जुड़वाना हो, तो फिर आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे जो मोबाइल नंबर और ईमेल टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं इस ईमेल वाले और मोबाइल नंबर वाले पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेलेक्ट होके आ जाएगा आधार सर्विसेज और मोबाइल नंबर। और अब आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं ऊपर की ये सारी डिटेल भर लेता हूँ, फिर यहाँ रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमने सारी डिटेल इंटर कर ली है, अब जस्ट हमें यहाँ रिक्वेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए एक ओटीपी वाला पेज आ जाएगा, और ऊपर देखिए यहाँ पर मैसेज भी आ गया ओटीपी के लिए। तो हमें इस पर क्लिक करके अपना ओटीपी देख लेना होगा। देखिए यहाँ पर ओटीपी हम लोग का 7844407, तो ओटीपी हम एंटर कर लेते हैं 7844407। उसके बाद हमें जस्ट यहाँ कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला जो नीचे वाला है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे दोस्तों। और फिर आपको देखिए एक रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये रिक्वेस्ट नंबर आपको मिल गया, यानी कि आपकी रिक्वेस्ट दर्ज कर ली गई है। अब यहाँ पर आपके घर एक पोस्टमैन आएगा, अब कब आएगा वो सब डिटेल कैसे मिलेगी, तो आपको ये वाला नंबर कॉपी कर लेना है जो यहाँ पर दिख रहा है 7 अंकों का। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और फिर ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना होगा और फिर वही वाला नंबर कॉपी कर देना होगा, या फिर आप मोबाइल नंबर भी अपना डाल सकते हैं। चलिए मैं वही रिक्वेस्ट नंबर कॉपी करके यहाँ पर फेच पे क्लिक करता हूँ। और जैसे आप फेच पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑफिस जो आपका नियर का पोस्ट ऑफिस हो जाएगा उसका नाम दिखाएगा। जैसे हमारा पोस्ट ऑफिस मैनगर में है तो ये दिखाएगा, साथ में स्टेटस पेंडिंग है। जैसे आपका मोबाइल नंबर वो आके चेंज कर देगा तो यहाँ तो कंप्लीट लिखा देगा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बगल में स्क्रॉल करके अगर दिखाऊँ तो देखिए ये अभी स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो मैं इसको डेस्कटॉप साइड पर करता हूँ। और देखिए जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप साइड पे किया तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा वही मेरा रिक्वेस्ट नंबर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट डेट है ये मैंने आज करी हुई है। अब यहाँ पर 48 घंटे के अंदर आपके घर पे एक आदमी आएगा, जैसे कि आज 2 अप्रैल है और यहाँ पर 7 बजे सुबह सुबह मैं ये काम कर रहा हूँ। और रिक्वेस्ट सर्विसेज मैंने यहाँ पर आधार सर्विसेज के लिए किया है, तो अब पोस्टमैन या फिर आधार ऑपरेटर जो भी आएगा, आपको 4 तारीख का मैंने रिक्वेस्ट किया, 48 घंटे या फिर यहाँ पर 3 दिन के अंदर ये आप समझ लीजिए कि आता है और आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट करके चला जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग भी अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को घर बैठे या फिर जीमेल आईडी को घर बैठे अपडेट करवा सकते हैं। गजर इस तरीके से आपको सारा काम करना है। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी है, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट और कुछ और चीज़ें पूछनी हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वाले वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।